जा चुका है। हम शहीद राजा उधम सिंह के बच्चे हैं, हम शहीद राजा सरदार करतार सिंह सरोवर के बच्चे हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर के बच्चे हैं, हम सरदार पटेल के बच्चे हैं। हम इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं, लेकिन अपने हक अधिकार छीनने नहीं देंगे सरदार करतार सिंह। जब जब तुम अधिकारों के लिए एक हो जाओगे, उस दिन ये धरती जो है ना कांप जाएगी, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आ जाए पेपर नहीं आता। जब पेपर की डेट आए तो पेपर में देने के बाद पता लगे थोड़ी देर में कि पेपर लीक हो गया। जो लोग पेपर की रक्षा नहीं कर सकते, देश की रक्षा करेंगे? शिक्षा मंत्री पूछो, नो बी बेल। गृह मंत्री पूछो, कड़ी बात। प्रधानमंत्री पूछो, एक डिग्री नहीं है। पूछो डिग्री कहाँ है, तो कोई प्रधानमंत्री पूछो कि आरटीआई में, तो आरटीआई का कानून ही बदल दिया। पूछो तुम्हारे साथ का कोई स्टूडेंट रहा होगा जब तुम पढ़ रहे थे, जहां से बताया कि मैं चाय बेचता था वो स्टेशन ही नहीं बनाता तब तक। कितने लोग खतरे में, नौजवान खतरे में यार, नौजवान खतरे में, देश खतरे में। जब आपकी बात करोगे तभी तुम्हें बताएंगे नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, कुछ कुछ कुछ। मैं सोचो नौजवानों के प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े भाषण दिए, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 1 करोड़ ही दे दो, छीन लिए, रिपोर्ट छपी। ऐसे प्रधानमंत्री जिनके राज में 6 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। मैं बेरोजगारी का दर्द समझता हूँ। मैं पढ़ लिख के बीएम एमबीएम सीए करके पीएचडी करके सड़क पे घूमते बेरोजगार का दर्द समझता हूँ, क्योंकि मैं बेरोजगार, मैं जानता हूँ बेरोजगारी का दर्द क्या है। और इस महंगी शिक्षा में किस तरह हमारे माँ बाप, यहाँ जो बैठा है ना वो अमीर नहीं है, अगर अमीर होता तो वो इस क्लर्क की नौकरी के, इस कांस्टेबल की नौकरी के लिए सड़क पे नहीं होता। ये वो लोग हैं जो गरीब हैं, ये वो लोग हैं जो देश से प्यार करते हैं। 10% पूंजीपतियों ने देश पे कब्जा कर लिया, हम समझ भी नहीं पाए। ये देश जो है हर व्यक्ति कर्ज में डूब गया है, ये है हिंदुत्ववादी सरकार का हाल। और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग जो हैं मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, और कितने तथागत हिंदू है, ये भी आप अपने आप से सवाल पूछो। अगर ये सरकार हिंदुओं की शिक्षा भी नहीं सुननी, उनका दर्द भी नहीं सुननी, तो क्या ये हिंदुओं की सरकार है? नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों की सरकार है, और इनको सिर्फ पैसों से मतलब है। इनको अगर देश भी बेचना पड़ जाए तो ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मैंने तो कल कहा, कल शाम मैंने लिखा कि नौजवान देश की रीढ़, सरकार को चाहिए कि नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करे, रोजगार उत्पन्न करे, रोजगार तैयार करे, और उड़ने का मौका दे नौजवानों को, खुल के जीने का मौका दे उनको, अपने अवसर प्रदान करे कि वो आगे बढ़ के देश की तरक्की में योगदान करे, टैक्स दे। लेकिन आपने नौजवान को दिया क्या पिछले 7 साल में? बेरोजगारी, सुसाइड, लाठियां। जब हक के लिए लड़ने आते हो तो लाठियों से पीटते हो, जूतों से पीटते हो। क्यों, ये किसी दूसरे देश के लोग हैं क्या? क्या ये आपके बच्चे नहीं है? और अगर अमीरों को गरीबों से इतनी नफरत है तो लिखो कि बहुत कम समय बचा है गरीबों के पास, आप गरीब हक की लड़ाई के लिए सारी लड़ाई लड़ने को तैयार है। अब अमीरों को अपने दरवाजे मजबूती से बंद कर लेने चाहिए, अब गरीब किसे रोकेगा नहीं, अब गरीब ज्यादा दिन मांगेगा भी नहीं। क्योंकि जब जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार की इंतहा हो जाती है तो फिर क्रांति जन्म लेती है, और आज इस धरती से क्रांति जन्म लेगी, जंतर मंतर की धरती से। और आप जानते हैं, मुझे गवाही नहीं देनी, ये देश बलिदान का देश है। हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह के भाई हैं, बच्चे हैं। हम शहीद आजम उधम सिंह के बच्चे हैं, हम शहीद आजम सरदार करतार सिंह सरोवर के बच्चे हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम सरदार पटेल के बच्चे हैं। हम इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं, लेकिन अपने हक अधिकार छीनने नहीं देंगे सरकार को, सरकार सुन ले। मैंने कमिश्नर साहब से कहा था कि बात कर लो गृह मंत्री क्या कहते हैं, वो नौजवानों को उनका हक देना चाहते नहीं देना चाहते, वरना फिर हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे।
हमारी लड़ाई पुलिस फोर्स से दोबारा बता रहा हूं नहीं, प्रशासन के लोग लाठियां खूब बजाए, लेकिन आज आर या पार आज फैसला होकर रहेगा कि नौजवानों को एक चीज और बता देते हैं, ये जानकारी बहुत जरूरी है आपके लिए। अब मुझे इसके लिए वहां जाना पड़ेगा कि मैं सबको देखूं। देखो भाई, ये मेरी एक जानकारी है आप सब लोगों के लिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, अगर इससे आधे लोग भी तय करके, जैसे वो मोनू मिल हुई थी ना यहाँ, अगर इनसे आधे लोग भी तय करके ये निकल जाए घर से बाहर, मैं कहता हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी क्या वो इतने रहे होंगे? बताओ ईमानदारी से, इतने लोग एकमत होकर देश में निकल जाएं तो मैं लिख के देता हूं कि रोजगार मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बन सकते आप लोग। भाई ये लोकतंत्र है ना, इसमें युवा की आबादी साथ मिलती है या नहीं है? अगर युवा मांगना बंद करके और देना शुरू कर दे तो बताओ कोई युवा बेरोजगार रहेगा क्या? अगर बहने सरकार बनवाने से ज्यादा बनाने पर ध्यान दे दे तो किसी बहन को यहाँ 11 महीने टिकना पड़ेगा क्या? बताओ। देखो हम साफ कहें, हम सरकारी नौकरी की भूमिका समझते हैं। ए बथरा वाली बहन हमारी सुन रही है, हमारे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर रहे, रिटायर हुए, अगर वो सरकारी नौकरी ना पाए ना तो हम 6 भाई बहन पढ़ ना पाए। उन्होंने हमें खूब अवसर दिया पढ़ने का, और आज अगर हम यहां बोल रहे हैं ना तो इसमें पढ़ाई का बहुत बड़ा योगदान है। एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार ने शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि कोई गरीब का बच्चा पढ़ ना पाए, क्योंकि पता क्या था एजुकेशन को, जब आप शिक्षित हो जाते हो ना फिर आप सही और गलत में फर्क महसूस करते हो। मैंने क्यों बुलवाया उस बहन को जो झंडा दे खड़ी है? हमें नहीं पता था, कल हम जब वहां गए तो हमने एक और बहन से पूछा, वो लिखे अपनी प्रोफाइल में बहुत बड़ी बड़ी बातें, हमने उससे पूछा कि अगर जो जहर तुम्हारे अंदर इस देश में इन तथाकथित राजनेताओं ने भर दिया है, बंटवारे का, हिंदू मुसलमान का, उसके बाद अगर तुम्हें कोई मुसलमान मिल जाए तो तुम क्या करोगी? तो बोली कुछ नहीं करूंगी मैं। तो मैंने कहा ये जो जहर भर रहे हैं इनसे पूछो क्या एक जाति एक धर्म के लोगों का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में? बताओ, जब आजादी मिली तो क्या एक धर्म एक जाति के लोगों ने लड़ाई लड़ी? ईमानदार से बताओ। और अगर जानना होना इतिहास तो जाना वहां इंडिया गेट पे, नाम पढ़ना शहीद शहादत देने वाले लोगों के, और अगर मन करे तो जाना बुलंदशहर, 100 से ज्यादा गुजर समाज के लोगों ने विजय कुमार पथिक जी के नेतृत्व में फांसी की सजा कबूल की। ये देश शामली से लेकर दिल्ली तक हर पेड़ पे मुसलमान इस अंग्रेजों ने लटकाया इस देश की लड़ाई को लड़ने के लिए, वो अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। हमें बांटा किसने धर्म और जाति और मजहब में? बताओ हम लोगों को किसने बांटा? 15% लोगों ने। ये उन सियासतदान और लोगों ने बांटा जो चाहते हैं कि गरीब कभी सशक्त हो ही ना पाए, बहुजन समाज के लोग कभी इकट्ठा हो ही ना पाए, और इस देश से जातिवाद खत्म होकर भाईचारा बन ही ना पाए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं क्या जाति में बैठ के बैठे हो या एसएससीजीडी के बच्चे बन के बैठे हो? जब जब तुम अधिकारों के लिए एक हो जाओगे उस दिन ये धरती जो है ना कांप जाएगी, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। जब तक बट जाओगे तब तक सियासतदार लोग कामयाब हो जाएंगे, तुम लोग फेल हो जाओगे। बताओ 7 साल में कितने रोजगार मिला इस देश में? सच ये है पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आ जाए पेपर नहीं आता, जब पेपर की डेट आए तो पेपर में देने के बाद पता लगे थोड़ी देर में कि पेपर लीक हो गया। जो लोग पेपर की रक्षा नहीं कर सकते देश की रक्षा करेंगे? इतना बढ़िया इतिहास है, शिक्षा मंत्री पूछो 9वीं फेल, गृह मंत्री पूछो कड़ी पार, प्रधानमंत्री पूछो एक डिग्री नहीं है, पूछो डिग्री कहाँ है,
तो कोई प्रधानमंत्री पूछो कि आरटीआई में, तो आरटीआई का कानून ही बदल दिया। पूछो तुम्हारे साथ का कोई स्टूडेंट रहा होगा जब तुम पढ़ रहे थे, नहीं। जहां से बताया कि मैं चाय बेचता था वो स्टेशन ही नहीं बना था तब तक। कमाल की थ्योरी है, झूठ पे झूठ। बस एक बात कहते कि हिंदू खतरे में है, लोग सतर्क हो जाते हैं हिंदू खतरे में। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने लोग खतरे में है, नौजवान खतरे में यार, नौजवान खतरे में, देश खतरे में। समझ रहे हो, जब हक की बात करोगे तभी तुम्हें बताएंगे नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, कुछ कुछ कुछ। और जब कहो कि राम मंदिर बनाना है, मथुरा मंदिर बनाना है, तो कहेंगे हमारे लोग आओ फूल बरसाओ के ऊपर। जब हक की मांग करोगे तब बजाएंगे लाठी। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि यार जाग जाओ, अगर आज नहीं जागे ना तो लूट जाएगा सब। एक बार पढ़ा करो यार, ये मेरे नौजवान साथियों भाई, पढ़ा करो, पढ़ के देखो कि हर एक पे कर्जा है। किसने दिया? मैंने तो नहीं दिया भाई। ये चुनाव में 10,000-20,000 करोड़ रुपए लगाए, किसका पैसा है भाई? 20,000-22,000 बस लगाए, किसका पैसा है भाई? बजट समझते हो कैसे बनता है? बजट बनता है आपके टैक्स के पैसे, जो टैक्स आप देते हो ना, वो सारा टैक्स का पैसा जाता है गवर्नमेंट के खाते में, और जो प्राकृतिक रिसोर्स है उससे बनता है बजट। और बजट का पैसा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा पैसा तुम्हारे ऊपर नहीं लगाते, अपने ऊपर लगाते हैं। 10-10 लाख का कोट पहनते हैं, 8-8 हजार करोड़ रुपए के उसमें चलते हैं जहाज में, और तुम्हें कहते हैं कि हम फकीर हैं और दुनिया की कोई सुविधा उनके लिए कम नहीं है। ये नौजवान साथियों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कहां कहां से कितनी मेहनत से पढ़ा होगा, क्या क्या निशा होगा तुम्हारे लिए। कौन खतरे में है? तुम खतरे में हो या वो खतरे में? खतरे में तुम्हें तो लड़ेगा कौन सा? बुद्धिमान बनो। ये खतरा तभी आएगा जब चुनाव आएगा, चुनाव के बाद खतरा टल जाएगा। समझ रहे हो, जब भी सरहद पे तनाव होगा याद करना और देख लेना कि कहीं ना कहीं किसी प्रदेश में चुनाव होगा। समझ रहे हो, ये सच है देश का। तो आज जो लोग यहाँ आए हैं वो अपने मन में सवाल लेके जाएंगे, अभी तो जा ही नहीं रहे, कि अब इनकी बातों में नहीं आना, अब ये हमें जब तक रोजगार नहीं देंगे हम लोग लड़ेंगे। और रोजगार तुम्हारा अधिकार है, इस देश के हर व्यक्ति का, कॉन्स्टिट्यूशनली बता रहा हूँ, संविधान ने दिया है। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये सात चीज सरकार देगी। और रोजगार नहीं देती तो रोजगार भत्ता देगी। इस अमेरिका की बात कहना, आगे निकल गए, कोरोना काल में भी उन्होंने अपने बेरोजगार लोगों को 1.5 लाख रुपए का भत्ता दिया, ये 1.5 रुपए ना दे। समझ रहे हो, यूपी में भोजन बंटवारा है, अभी एक अम्मा ने रिलीज किया, चना जो है ना वो सड़ा हुआ है, उसमें कीड़े पड़े हुए चने में, और अपनी इतनी प्यारी फोटो लगाई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के, जैसे बोलो कि अब इनके विवाह की बात चलने वाली हो। अरे इनके बारे में सोचो नौजवानों के, प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े भाषण दिए, 2 करोड़ रोजगार कहां है, 1 करोड़ ही दे दो, छीन लिए, रिपोर्ट छपी, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके राज में 6 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।